चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमको रिएक्ट नेटिव मैप्स की ज़रूरत होगी, तो हमने वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से रिएक्ट नेटिव मैप्स के मॉड्यूल को कॉपी करना। उसके बाद वीएस कोड में आके हमने कंसोल ओपन करके उसको पेस्ट कर देना है, और ये हार्डली 5 से 10 मिनट लेगा इंस्टॉल होने में। इसको इंस्टॉल होने दीजिए। ओके गाइस, ये इंस्टॉल हो चुका है। चलिए हम अब इसके पोर्ट को इंस्टॉल कर लेते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट टाइम अगर आपने मैप इंस्टॉल किया है तो एक बार अपना बंडलर ऑन ऑफ कर लीजिएगा। ओके, मैंने ऑलरेडी ये इंस्टॉल कर चुका हूँ तो इस करके मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने इसको इंपोर्ट करना है। हम वेबसाइट पे चलते हैं और इसको इंपोर्ट करते हैं। गाइज, हमने इसको इंपोर्ट किया और हम कोड भी इसकी वेबसाइट से ही कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये रहा इसका एग्जांपल। हम इस एग्जांपल को कॉपी करते हैं यहाँ से और अपने कोड में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेंटर्स हटाना पड़ेगा। ठीक है, हमने इसको रिफॉर्म किया। ओके ओके गाइज, ये दिखेगा नहीं क्योंकि हमने अभी तक मैप को स्टाइल नहीं दिया। हमने इसको या तो हम विड्थ 100% दे सकते हैं या इसको हम एब्सोल्यूट फिल कर सकते हैं। ओके, स्टाइल शीट, एक्चुअली मैं स्पेलिंग भूल गया हूँ, स्टाइल शीट डॉट एब्सोल्यूट फिल। और रेडी गाइस, तो हमारा मैप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और काम भी कर रहा है। तो चलिए अब हम अपने सेकंड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें रिएक्ट नेटिव मैप सेक्शन के मॉड्यूल को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना है। बेसिकली हम इस मॉड्यूल का यूज़ मैप पर लाइन ड्रॉ करने के लिए करते हैं। इसके बजाय हम पॉली लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें होगा ये कि हमें एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ जाएगा, तो हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। और यह मॉड्यूल हमें काफ़ी सारे इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है जो हमें आगे जाके काफ़ी यूज़फुल होंगे, जैसे कि एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच उनका उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करना, टाइम कैलकुलेट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए, हमें सबसे पहले दो वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी। फर्स्ट हमारी होगी पिकअप कोऑर्डिनेट्स और ड्रॉप कोऑर्डिनेट्स। तो हम चलिए इसको इनिशियलाइज़ करते हैं, पिकअप कोऑर्डिनेट्स। तो इसकी लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को इनिशियलाइज़ कर देते हैं। तो अभी के लिए हम इसको स्टैटिक वैल्यूज़ इसमें डालते हैं जो हमें गूगल से इजीली मिल जाएगी। लाइक हमें पिकअप कोऑर्डिनेट्स डालने हैं तो हम मोहाली, मैं डाल रहा हूँ मोहाली के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये हमारे पिकअप लोकेशन होने वाली है। अभी के लिए हम स्टैटिक वैल्यूज़ का यूज़ कर रहे हैं, बट हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम डायनेमिक वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम स्टैटिक वैल्यूज़ का ही यूज़ करेंगे। तो अब हम अपने अपनी सेकंड वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर देते हैं, ड्रॉप लोकेशन, ड्रॉप कोऑर्डिनेट, लोकेशन कोऑर्डिनेट्स। तो अब हम तो मैं जाना चाहूँगा मोहाली टू चंडीगढ़। तो अब हम चंडीगढ़ के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को सर्च करके अपने कोड में यूज़ करेंगे। तो ये इसका लैटिट्यूड, देन सेकंड इज लॉन्गिट्यूड, ओके से कट पेस्ट। तो चलिए हम इन वैल्यूज को, अच्छा ठीक है, हम इसको अभी इसकी डिस्ट्रक्टिंग कर लेते हैं, तो ताकि हम इसको इजीली यूज कर पाए। पिकअप कोड्स, ड्रॉप लोकेशन कोड्स, तो चलिए अब हम इसकी वेबसाइट से जाके इसके मैप व्यू डायरेक्शन के कोड को कॉपी करते हैं। ओके, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है।
और वीएस कोड में आके अब ध्यान रखिए कि इसको जो मैप व्यू डायरेक्शन को हमने मैप व्यू के अंदर रैप अप करना है। ओके, अभी के लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं ताकि हमें एरर ना आए। और हम यहाँ पे लैटिट्यूड और डेल्टा और लॉन्गिट्यूड डेल्टा देना भी बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमारी जूम पर इफेक्ट पड़ता है मैप पर। तो चलिए अब हमें इस इनिशियल रिलीजन जो हमने मैप में दिए हुए इसकी हमें ज़रूरत नहीं। अब हम जो हमारा इनिशियल रीजन होने वाला है ये हमारा पिकअप पॉइंट्स होने वाला है। तो हम ऊपर पहले ही इनिशियलाइज कर चुके हैं तो पिकअप कोऑर्डिनेट्स। अब हम चलिए देखते हैं कि हमारे मैप पे थी, ये देखिए जो हमने मोहाली पिक किया था अब हमारे मैप पर आ चुका है। तो चलिए हम इसको अनकमेंट करते हैं। अब हमारा ओरिजन भी हमारा पिकअप पॉइंट्स होने वाला है और डेस्टिनेशन हमारा डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं। तो हमने इसको यहाँ पे यूज़ कर लेनी है वैल्यू जो हमने स्टैटिक दी हुई है। और गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें गूगल मैप की ज़रूरत होगी जो पेड होती है। आप अपना गूगल क्लाउड स्टोरेज पे जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ से आपको गूगल मैप की जनरेट हो जाएगी और उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। ओ, हमने बिना इंपोर्ट किए इसको यूज़ कर लिया तो इस करके इसने एरर बता दिया। ठीक है, हमने इसको इंपोर्ट करना है, उसके बाद इसको यूज़ करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया। ठीक है, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गई है मोहाली टू चंडीगढ़। तो ठीक है, अब हम इसकी स्ट्रोक विड्थ हम बढ़ाते हैं। अभी वो आई थिंक इसकी वैल्यू थोड़ी कम है तो हमें दिख नहीं रहा। ठीक है, हम इसको 3 कर देते हैं और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं लाइक हॉट पिंक। अब हम कोड को सेव करते हैं, पेस्ट। ओके, विड्थ बढ़ चुकी है बट कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, हम कोड में जाते हैं। ओके, यहाँ से कॉपी किया देन पेस्ट। अब हम सेव करेंगे और देखेंगे कि ठीक है। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो चुकी है। चलिए अब हम मार्कर का यूज़ करते हैं। अभी के लिए हम इसके कस्टम मार्कर को ही यूज़ कर लेते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कस्टम मार्कर यूज़ करके बताऊंगा कि हम कैसे कर सकते हैं। और फर्स्ट देन कॉपी, यहाँ पे ड्रॉप लोकेशन कोऑर्डिनेट्स। ओके, सेव किया और फिर देखिए हमारे मैप पर दो मार्कर आ चुके हैं। अभी आप ये देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पिकअप कोऑर्डिनेट्स और ड्रॉप कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सेंटर में नहीं है मैप के, तो हम इसको फिक्स करते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है मैप व्यू डायरेक्शन की ऑनरेडी, तो हम उसको अब यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें यूज़ रेफरेंस की ज़रूरत होगी, तो हमने यहाँ से यूज़ रेफरेंस इंपोर्ट किया। तो यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं, मैप रेफरेंस इक्वल टू यूज़ रेफरेंस। ठीक है, इसका रेफरेंस अब हम मैप में पास कर देंगे, रेफरेंस इक्वल टू मैप रेफरेंस। चाहिए तो चलिए अब हम ऑलरेडी फंक्शन को इनिशियलाइज करते हैं। ये फंक्शन एज इट इज आप इसकी वेबसाइट पे से भी जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे को ये याद ही हो गया है, मैं इतनी बार इस पे काम कर चुका हूँ। तो वो आपको मैं दिखा दूंगा कि कहाँ से कॉपी पेस्ट करना है।
कार्डिनल कोऑर्डिनेट्स, देन हम एच पॉइंट यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। ये एच पॉइंट्स हमें बताता है कि हमें लेफ्ट से कितना मार्जिन रखना है, राइट से कितना रखना है, बॉटम से कितना रखना है, अब टॉप से कितना रखना है। बॉटम से अभी हम 300 दे लेते हैं, लेफ्ट से भी हम 30 और टॉप से 100। अब हम इसको सेव करेंगे। देखिए ये अपना आप फिट हो चुका है हमारे पिकअप पॉइंट से और ड्रॉप लोकेशन के बीच। ये देखिए अपने आप ये फिट हो चुका है। तो चलिए गाइस, मैं आपको इसकी वेबसाइट पे भी ये फंक्शन दिखा देता हूँ। इन्होंने यहाँ पे क्लास मेथड का यूज़ किया हुआ है, तो इन्होंने इस करके दिस का यूज़ किया हुआ है कोड में। तो हमने तो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट इनसे बनाया, तो इसलिए हमने यूज़ रेफरेंस का यूज़ किया है। तो आप यहाँ से भी चाहे तो आप अगर क्लास में क्लास कंपोनेंट क्लास का यूज़ करना चाहे तो क्लास का कर सकते हैं। ऑल रेडी गाइज, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दो और मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो हमने आज स्टैटिक वैल्यूज का यूज़ किया है उसको हम डायनेमिक करेंगे। ओके गाइज, बाय बाय।